मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं खम्मन ढोकला रेसिपी। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है, सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। अब हम इसको मिनटों में घर पे तैयार कर सकते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, खम्मन ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 1 कटोरी सूजी, 3/4 कटोरी मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक लिया है। नमक आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज में लें। 1 चम्मच मैंने इनो पाउडर यूज में लिया है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें हम सूजी डाल देंगे। बेसन भी डाल देंगे और इस सब मटेरियल को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है, अब हम इसमें नमक डाल देंगे। हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और वापस से सबको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें खट्टी छाछ मिला दूंगी। मैंने 3-4 दिन पुरानी खट्टी छाछ ली है, आप दही भी यूज में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलाते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि हमें एक ही साइड में इसको मिक्स करना है, साइड चेंज हमें नहीं करनी है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारा बैटर जो है वो एक सा हो जाए। फ्रेंड्स, खम्मन ढोकले का बैटर हमने तैयार कर लिया है। हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है, देखिए हमें गाढ़ा ही रखा है, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, मीडियम हमने इसको रख लिया है। और बहुत अच्छे से हमने इसको एक ही साइड में मिक्स कर लिया है, साइड हमें चेंज नहीं करनी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच इनो डाल दूंगी। आप इनो का कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, ब्लू वाला या ग्रीन वाला, मैंने यहाँ पे ग्रीन वाला लिया है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 साइड ही इसे हमें राउंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से इनो को भी हमने मिक्स कर लिया है। इनो मिक्स करने के बाद हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट से सेपरेटर तैयार करना है। मैंने यहाँ सेपरेटर में ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें अच्छे से लगा दिया है, घी भी लगा सकते हैं आप। अब हम इसको सेपरेटर में जो हमने बैटर तैयार किया है इसको फैला देंगे। इसको 4 से 5 बार हम टैप कर देंगे ताकि इसमें कुछ बबल्स हो तो वो निकल जाएं। अब फ्रेंड्स, इसको हम बनाने का तरीका आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में इडली कुकर नहीं है तो आप एल्यूमिनियम की कढ़ाई ले सकते हैं, बड़े साइज की कढ़ाई, जिसमें हमने 1.5 ग्लास पानी डाल लिया है। एक स्टैंड हम उसमें लगा देंगे और इस पर हम सेपरेटर को रख देंगे और किसी भी ऐसी बर्तन से, थाली से या परात से इसको कवर कर देंगे जिसमें से बिल्कुल भी स्टीम बाहर ना निकले। और 5 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर फ्लेम को हम लो कर देंगे 15 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इडली कुकर के अंदर खम्मन ढोकला सिखाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इडली कुकर के अंदर 1.5 ग्लास पानी डाल दिया है, पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सेपरेटर को रख देंगे। फ्रेंड्स, मैंने सेपरेटर को इडली कुकर के अंदर रख दिया है, ढक्कन से कवर कर दिया है। अब 5 मिनट के लिए हम गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे और उसके बाद में हम 15 मिनट के लिए गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, आइए अब हम ढक्कन को हटा के देखते हैं।
देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम अच्छे से तैयार हो गया है खमन ढोकला। हम एक टूथपिक लगा के भी चेक कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सेपरेटर को बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स हम तैयार खमन ढोकले को सेपरेटर से बाहर निकाल लेंगे। मैंने देखिए इसमें बिल्कुल साइड कॉर्नर्स पे चक्कू को लगा दिया है, किनारे इसके अलग हटने लग गए हैं। आइए अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स सेपरेटर में से मैंने खमन ढोकले को बाहर निकाल लिया है और बहुत ही अच्छा स्पॉन्जी बना है। आइए अब हम बघार तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बघार के लिए कढ़ाई ली है। इसमें मैंने एक चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है, गरम होने देंगे। फ्रेंड्स ऑयल गरम हो चुका है, मैं इसमें थोड़ी सी हींग डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच धुले हुए तिल लिए हैं, तिल डाल देंगे। आधा चम्मच राई ली है, राई डाल देंगे। फ्रेंड्स राई और तिल अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें लंबा लंबा कटा हुआ हरी मिर्ची डाल देंगे। मैंने यहाँ पे लंबे साइज की हरी मिर्च काटी हुई है, मैंने डाल दी है। आठ दस पत्ते मैंने यहाँ करी पत्ते के लिए हैं, यानी कि मीठा नीम भी डाल दिया है। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स हम यहाँ पे पानी वाला ढोकला नहीं बना रहे हैं, मैं यहाँ पे सिंपल ढोकला बना रही हूँ। अगर आप पानी वाला बनाना चाहते हैं तो इसमें आप बघार में आधा कटोरी पानी डाल सकते हैं, एक चम्मच चीनी डाल सकते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। पर मैंने यहाँ पर सिंपल बघार बनाया है इसलिए मैंने हरी मिर्ची और मीठा नीम डाला है। फ्रेंड्स बघार तैयार हो गया है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स हमने जो बघार तैयार किया है उसको तैयार किए हुए खमन ढोकले पर फैला देंगे। देखिए फ्रेंड्स खमन ढोकला बिल्कुल रेडी है। अब आप जैसा चाहें उस शेप में इसको कट कर सकते हैं। आइए कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने कट कर लिया है। अब हम आपको इसमें से बीच में से एक पीस निकाल के दिखाते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हुआ है, बहुत ही स्पॉन्जी भी है और बैक पोर्शन भी देखिए आप, सेपरेटर में चिपका नहीं था, बहुत अच्छे से बना है, लुकिंग में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आइए सर्व करते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे खमन ढोकला सर्व कर दिया है। देखिए लुकिंग में भी बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत स्पॉन्जी बना है। अब आप जब चाहें जब ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।